लखनऊ में कमलेश तिवारी का परिवार सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम आवास पर करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। परिवार ने सीएम के सामने अपने 11 मांगे रखी है। कमलेश तिवारी की मां, उनकी पत्नी और तीनों बेटे सीएम से मुलाकात के लिए सीतापुर से लखनऊ आए थे। उधर मुलाकात के बाद, तलब किए जाने के बाद डीजीपी सीएम आवास पर पहुंचे और मुख्यमंत्री को मामले पर पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी का उन्हीं के दफ्तर में हत्या कर दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ आपको ये भी सुनवाते हैं कि कमलेश तिवारी की मां और उसकी पत्नी का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। हाँ, मुख्यमंत्री से मिले, अपने बड़े बेटे से भी मिले। उनको बहुत दिन से बेटे के रूम में देखते थे, मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत संशोधन किया उन्होंने। हमने जो उनसे मांग की थी कि हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए। उन्होंने हमको भरोसा दिया है और भरोसा दिया तो बहुत कुछ दे दिया। बस इतना ही बोलना चाहते, आगे हमारे बोलने की अंदर शक्ति खत्म हो चुकी है, हम नहीं बोल पाएंगे। महाराज जी आश्वासन दिए कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, हत्यारों को जल्द से जल्द हम फांसी की सजा दिलवाएंगे। आपको लगता है उम्मीद जल्दी हो जाए? हाँ, उम्मीद है महाराज जी से कि करवाएंगे, उनको फांसी की सजा दिलवाएंगे। हम यही मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा उनको दिलवाओ, हत्यारों को। उन्होंने बोली हम जी बहुत अच्छा लगा। महाराज जी तो हमारे सबके पहले से पूज्य थे,